देखिए भाई सब क्या होता है गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे पूरी गाड़ी चलती है। तो चाय पी के हम निकलने वाले पहले गाड़ी पर, क्योंकि एक दो घंटे हमने रेस्ट किया यहाँ पे, हमें यहीं सो रहे थे। तो देखेंगे पहले पानी तो पूरा है, तो देखते हैं पहले मेल, क्योंकि इसका बहुत टाइम हो गया। तो कहते हैं गाड़ी को स्टार्ट, हो गई सिवनी वाली लखनडोल वाली गाड़ी स्टार्ट। तो अब देखिए यहाँ का नजारा, व्यू देखिए यहाँ का, ये देखो भाई साहब। अभी जो है घाट पे चलना है, तो कीजिए एंजॉय आप भी हमारे साथ। ये देखिए भाई, पिछले जगह यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी आज उठा लिया बस, क्योंकि ये जो है काफ़ी चढ़ाई है, तो इधर गाड़ी का ब्रेक भी ज़्यादा होता है, तो बस इसको आराम से चलना चाहिए। हर जगह पहले आराम से चलना चाहिए। ये देखिए यहाँ का नज़ारा और गाड़ी देखिए, आराम से चलना पड़ता है। ये जो तेल मीटर हमारा नहीं चल रहा था, क्योंकि इसका जो है थोड़ा जो नट होते उसके ऊपर वो ढीले थे, तो अब हमने वो पूरा टाइट कर दिया। जब तेल डाला वहाँ से लीक हो गया, तो हमें पता चला, फिर हमने उसको पहुँच चुके हैं हम खवासा बॉर्डर। तो आगे हमें बॉर्डर मिलेगा, तो हम ये खवासा वाला रोड है, ये देखिए आप, ये हर व्लॉग में देखा, जो भी व्लॉगिंग करता है उसके व्लॉग में ये वाला ज़रूर देखा होगा। यहाँ जो साइड में इसलिए बंद रखा है, सभी भाई कमेंट करें कि एक इसलिए बंद रखा, क्योंकि यहाँ जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको बंद रखते हैं दोनों तरफ से। देखिए भाई सब क्या होता है गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे पूरी गाड़ी चलती है। देखिए भाई साहब रास्ते पूरा बंद किया, देखो रास्ते में क्या मिला हमें, तो चलते हैं हम भी इसके, तो पूरा रास्ता इन्होंने बंद किया है। ये देखिए आप, अभी हम पहुंच गए नागपुर, हैदराबाद टू कन्याकुमारी वाला जो रोड जा रहा है, तो बस उसी पे अभी जा रहे हैं। तो दानिश वाला ले रहा है साइड, ये देखो दानिश भाई, दानिश भाई हाई करो। तो ये देखिए पूरा रास्ता इन्होंने बंद रखा है, क्योंकि हम नागपुर से थोड़ा सा आगे इस जगह यहाँ पे हमने भैया को बुलाया गया, ये फिल्टर खोलेगा, क्योंकि इसमें जो है पहले इसमें हवा देना है, तो अभी खोल रहा है भाई फिल्टर। तो ये देखे अभी यहाँ हम चाय पी के निकलेंगे, पहले नहाएंगे, ये है कैप्री, तो नहा के निकलते हैं अपना सफ़र जो है। वीडियो में बने रहे और साथ ही साथ फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये देखिए इस लोकेशन पर हम अभी है, तो बस कल हमने गाड़ी धोया था, तो अभी तो टायर में थोड़ा मिट्टी लगा, वो हम इधर पानी से धोएंगे। चाय पी के निकल चुके हैं यहाँ से, फिल्टर वाले भैया को भी पैसे दिए, तो निकलते हैं, अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो चलते हैं मिलते हैं आगे, आप भी वीडियो में बने रहे। निकल चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर में से, तो ये लास्ट बॉर्डर था महाराष्ट्र का, तो फिर तेलंगाना में एंट्री हो जाएगी, तो वहाँ जो है वहाँ 200 लेते हैं कैश। तो चलते हैं यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू, अभी 430 किलोमीटर रह गया हैदराबाद तक। तो यहाँ पे देखिए जाम कितना होता है, ये आप खुद चेक करो, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, कभी दो घंटे ढाई घंटे भी वेट करना पड़ता है, कितना जाम होता है यहाँ पे, ये आप चेक करो। अभी तो काम है, रात के टाइम में भी दे रहा हूँ, बल्कि मानो शाम के टाइम तो डेढ़ घंटा लगता ही है। ये देखिए आप ऐसा बस, सब बहुत जुल्म चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो है ना बहुत जुल्म चल रहा है गाड़ी वालों पर, पाँच पाँच छः छः बार पर हज़ार लगता है, 6,000 इसलिए लगता है, टोलपुर में, मकराना में, हर जगह यार, कितना जगह बताएंगे आपको। तो बस जल्दी से जल्दी मुझे साहब के वीडियो पहुँचा दो, ताकि हमारा जो जुल्म है ख़त्म हो जाए ड्राइवर पर। अगर बार सब कुछ ख़त्म हो गए तो यहाँ पे क्यों है महाराष्ट्र में, MP में, UP में, जब पूरा हिंदुस्तान का परमट है, ऑल इंडिया परमट, तो ये बार क्यों है। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो शेयर कीजिए। तो पहुँच चुके हैं हम होटल पे मेवाती ढाबा पे, तो रात के बज चुके 12:30, तो अभी यहाँ से रोटी खा के निकलेंगे, क्योंकि अभी जो है 250 किलोमीटर रह गए हैदराबाद तक। तो यहाँ से भी देखो क्या टाइम है, हरियाणा सिंगर ढाबा, तो यहाँ पे खा के निकलेंगे।
चुका हमारा गोश्त, ये देखें आप। उसी के साथ और एक गाड़ी आ गई यहाँ पे, तो देखते हैं आप किसमें कितना दम है। तो दानिश भाई भी बैठ गए और दूसरा भाई भी बैठ गए, देखेंगे पेट भर के खाना मिलेगा 120 रुपया में, तो देखते हैं थोड़ा टेस्ट करेंगे, देखें। वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे देखे निकल चुके हम यहाँ से, तो आप भी वीडियो में बने रहे। तो चलते हैं यहाँ से, अभी सफ़र रह गया 200 किलोमीटर, तो यहाँ से हमने खाना खाया तो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी देखिए ट्रक लाइफ क्या है, अभी रात के 1 बज चुके, अभी खाना खा के निकल चुके हैं, तो अभी जो है पूरी रात ड्राइव करना है, फिर देखते हैं सुबह कैसे रहेगा, वो आपसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ से हमने खाना खाया और चलते हैं, मेन रोड पे ही है, ज़्यादा पार्किंग भी बहुत है यहाँ से। तो बस इस साल आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। तो दानिश भाई भी गाड़ी चला लिया, तो पूरी रात ड्राइव करके पहुँच चुके हम मिर्चल। यहाँ से 10 किलोमीटर रह गए, तो पीछे हमने रुका फैमिली ढाबे पे, यहाँ से चाय पी के हम निकलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ फॉलो करना, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आज के बाद कंटिन्यू व्लॉग आएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस थैंक यू।